इस खबर के प्रायोजक हैं महादेवी हायर सेकेंडरी स्कूल, एडमिशन जारी। पता याद रखें, तिवारीपुर, सिधारी, आजमगढ़। सबा कॉन्वेंट स्कूल मुबारकपुर, एडमिशन जारी। पता याद रखें, निकट अल जामेतुल अशरफिया यूनिवर्सिटी मुबारकपुर आजमगढ़। मैनेजिंग डायरेक्टर अफरोज अहमद, ब्रिजेश दुबे प्रदेश उपाध्यक्ष आर्यव्रत महासभा, आजमगढ़ की शान नेता नहीं आपका बेटा, विधानसभा 343 अतरौलिया आजमगढ़, एवं उज्जवल मॉडल स्कूल कादीपुर हरिकेश कप्तानगंज आजमगढ़, एडमिशन जारी। जिला कलेक्ट्रेट में एक ऐसा हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप दांतों तले अपनी उंगलियां दबाने लगेंगे। आजादी के 70 साल बाद भी गंगा के उस पार एक ऐसा गांव है जहां आज तक बिजली नहीं पहुंच पाई, न शिक्षा चिकित्सा की कोई व्यवस्था गांव को मिली है। जनप्रतिनिधियों की उदासीनता इस गांव के विकास को उजागर करती है। जिलाधिकारी कलेक्ट्रेट पहुंचे भाजपा नेता और समाज सेवी रामू महाजन इस गांव की पीड़ा को कागजों पर समेटे जिलाधिकारी को सौंपकर इस गांव में बिजली, पानी, शिक्षा और चिकित्सा पहुंचाने की गुहार लगा रहे हैं। रामू महाजन के द्वारा बताया गया कि इस गांव में एक समय ऐसा भी था जब हजारों की संख्या में आबादी रहा करती थी, लेकिन नदी किनारे बसे इस गांव में आज तक विकास की नदी नहीं बहाई गई। नतीजा आज गांव में महज कुछ संख्या में ही आबादी रह गई। रामू महाजन की माने तो इस गांव में लगभग 500 से 600 लोगों की आबादी है। गांव के लोग खेती किसानी करके अपना जीवन यापन करते हैं। बताया आजादी के 70 साल बाद भी इस गांव में आज तक बिजली नहीं पहुंची, न ही सड़क है। आपको बता दें, ये गांव बलिया मुख्यालय से लगभग 30 से 35 किलोमीटर दूर गंगा किनारे बसा है, जो नरही थाना अंतर्गत सुहाव ब्लॉक के कुल्हड़िया गांव के नाम से जाना जाता है। कुल्हड़िया ग्राम सभा के लोगों को आए दिन काफी कठिनाइयों और जंगली जानवरों से मौत का सामना करना पड़ता है और वहां के छात्र छात्राओं को पढ़ाई में काफी दिक्कतें हैं। एक आदिवासियों की तरह जीवन जीने को मजबूर हैं। सर, मेरे जो है कि क्षेत्र में ग्राम सभा है। कौन सी? कुल्हड़िया ग्राम सभा है, जो 20 के डेरा और 60 के डेरा का नाम से जाना जाता है। कहाँ पड़ता है ये? ये सब पड़ता है बड़का खेत से सटा हुआ है, लेकिन गंगा जी के कटान के वजह से जो है कि ये कुछ हिस्सा जो है कि बिहार में चला गया है, गंगा के उस पर चला गया है। और वहाँ पर सर लोगों की जनजीवन इतनी बदतर है कि मतलब जानवर से भी बदतर कहा जा सकता है। क्यों, क्या वजह, क्या है इसके पीछे? वजह है सर कि जो है कि आज़ादी के बाद अब तक वहाँ पे कोई सुख सुविधा जो है कि नहीं पहुँची है और लोग अपने आप को जो है कि मतलब उसी हिसाब किताब में ढाल लिए हैं। जब मैं गया उन लोगों का कष्ट देखा जो है कि सर मेरे आँख से आंसू आ गया। घूमते घूमते संजोग से मैं पहुँच गया उधर में और सर हम उसी दिन जो है कि ठान लिए कि आज हम सत्ता में हैं और लोगों की इस आवाज़ को जिला अधिकारी के जो है कि मतलब माध्यम से तमाम जो है कि मतलब जिले में जो है कि इसको फैलाया जाए और इन लोगों का जो है कि असली हक क्या, उसको उन लोगों को समस्या क्या है और क्या चीज़ें हैं और क्या वहां तक नहीं पहुंच पाया है जिसको लेकर आ पाए हुए? उन लोगों की समस्या सर क्या है, वहां पे शुद्ध रास्ता भी नहीं है, बिजली नहीं है, पानी भी नहीं है, यहाँ तक कि स्कूल है तो उसमें मास्टर भी नहीं है। कितने की आबादी है उस गाँव में? आबादी सर उस अगर ग्राम सभा का देखा जाए तो 600-700 की आबादी होगी। 600-700 की आबादी? हाँ। तो क्या वजह क्या रही इसके पीछे कि उन तक विकास पहुंच नहीं पाया या फिर उन्होंने विकास को एक्सेप्ट नहीं किया? पिछली सरकार में सर, हमारा सरकार तो 4 साल से आया है और पिछली सरकार में तमाम सुविधा पहुंचते हुए भी जो है कि उन लोगों के पास नहीं पहुँचा। कारण क्या है इसके पीछे? राजनीतिक दबाव और राजनीतिक पार्टियों के वजह से उन लोगों के पास कोई सुविधा नहीं पहुंची। बलिया मुख्यालय से कितनी दूर है वो गांव? बलिया मुख्यालय से सर आपका दूरी अगर देखा जाए तो 30-35 किलोमीटर दूरी पे है। तो क्या अब तक वहां पर कोई जनप्रतिनिधि पहुंच नहीं पाया या फिर कभी मुनासिब ही नहीं समझा? सर इसके बारे में तो हमको जानकारी नहीं है, लेकिन मैं बाढ़ के समय में जब गया था तो कुछ ज़्यादा हमको समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि वो एरिया जो है कि बाढ़ ग्रसित थी और मैं लोगों को खाना बांटने के लिए लेकर के गया था। उसी टाइम मैं देखा था तो गांव तो पूरा जलमग्न हो गया था, बंधे पे लोग जो है कि अपना जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन उसी टाइम मैंने जो है कि ये कदम उठाया
कि इन लोगों का जो है कि असली हक जो है कि और अधिकार इन लोगों को दिला करके रहे। ये भी जानकारी मिली है कि वहाँ से कुछ लोग विलुप्त भी हुए, क्या कारण क्या रहा? जी, गंगा जी के कटान के वजह से कुछ लोग जो है कि मतलब बाबा तक। लगभग कितने की संख्या में लोग? सर वहाँ पे सुनने में आता है कि 4,500 की संख्या थी, ऊपर ही होगा, लेकिन वहाँ से अब काफ़ी मतलब 70% लोग वहाँ से मतलब आसपास के गांव में जो है कि मतलब प्लान कर चुके हैं, अपना सियाना बना चुके हैं, और जो भी कुछ लोग बचे हुए गरीब तबके के जो है कि मतलब उनको सुविधा न मिलने के वजह से अभी जो लोग वहां पर जो बता रहे हैं कुछ संख्या रह गई है 400 500 या 600 की संख्या रह गई है, इनका जीवन यापन कैसे चलता है और कैसे ये रहते हैं उस गाँव में? वहाँ पे खेती बाड़ी कर करके और जो भी कुछ उससे मतलब खेती से अनाज उगाते हैं वो खाते हैं पीते हैं, और अपना इधर उधर से साग सब्जी जो है कि मतलब व्यवस्था करके अपना मतलब खा पी रहे हैं। यानी आज़ादी के 70 साल भी माना जाए कि कुल्हड़िया गांव में अब तक कुल्हड़िया गांव जो विकास से वंचित रहा, यही है। जी जी जी। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।